ये तो सच है कि भगवान है हाँ, मगर फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा है, और अब इसकी अच्छी बात पता है क्या है, अब ये तुम्हारे भी दिमाग में चल रहा है। अब तुम जाओ अपनी अपनी कैब में बैठे बैठे घर में चलते रहेगा, ये तो सच है कि भगवान है। हाँ यार ये क्या दिया शो में। बात कर सकता आप लोगों से, सब कंफर्टेबल हो बात करने में? तो आप क्या खा रहे हो यार, आपको मैं देख रहा हूँ पसंद ही नहीं है कुछ खाने के अलावा। एकदम बिल्कुल आपको भाई, आपने 300 टिकट में वेस्ट कर दिए, आप 300 एक्स्ट्रा लेके खा लेते आराम से। क्या नाम है आपका दोस्त? माय नेम इज समृद्ध। अरे वाह, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? भाई इतना फॉर्मल के बाद सिमरन ऐसे नहीं चलेगा यार, थोड़ा सा हमको कैजुअल होना पड़ेगा। सिमरन क्या करते हो सिमरन आप? अच्छा ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा ना, मतलब मैं हिंदी में बोलूंगा आप एकदम उसको एचआर टर्म में बोलोगे। भाई साहब मेरे को आती है इंग्लिश, मैं बोलना शुरू हो गया ना इनको किसी को समझ नहीं आएगी। यू आर इनटू सर, आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्या पसंद नहीं आ रहा आपको मेरे बताओ, मैं कुछ चेंज कर दूं? क्योंकि मेरे को पर्टिकुलरली बोला है कि एक एक बंदा हंसना चाहिए, नहीं तो लोग मुझे मारेंगे। आपका नाम क्या है? अरे तुम पीरियोडिक टेबल से बाहर कब आए? क्या अरे भाई, मैं मुश्किल से इंजीनियरिंग करके निकला हूं, तुम यहां भी आ गए वेरिनियम। आप किन के साथ आए हो? सल्फर? सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा बस लाइट, बुरा तो नहीं लगा ना आपको, ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत। तो वेरिनियम इसका वैसे कुछ मीनिंग होता है? क्या मीनिंग होता है सर? आपको पता नहीं है, अभी दो चार इंजीनियर खड़ा हुई बता देंगे, दो मिनट में आपके रिएक्शंस बता देंगे उसके बाद। बैंड के लिए ताली बजाओ यार। आप किनके साथ आए हैं? सबके साथ? आप पांचों एक साथ आए हो? 17 लोग? भाई कुंभ मेला है क्या ये? 5-6 बोलो, 17 लोग आए हैं हम लोग। भाई बुक माई शो गरम कर दिया होगा तुमने। भाई कहाँ कहाँ काम करते हो ऐसा, 17 लोग ले आए भाई? हम साथ में काम करते। वो समझ आ गया था मुझे, ऐसा राह चढ़ते गुद्दी पकड़ के तुमने लाया, उन्होंने कहा तू भी चल 15 हुए हैं आज शो खराब करते हैं एकदम। तो आई एम श्योर कि तुम 17 साथ में काम करते हो। आप इन 17 में ही हो सारे? आप 17 में नहीं हो, आप 3 अलग हो ना, मतलब तुम 17 में से 5 यहाँ हो, बाकी 12 कहाँ हैं? अच्छा बोले फैले हुए हैं, ये वायरस ऐसा नहीं है हमने आगे कंटेन कर लिया है, 17 के 17 पूरे फैले हुए हैं हम। देखते रहो पता ही नहीं लगा कहाँ से पत्थर आया कहाँ से लाता ही। वो बताते हैं तेरे को, तुम्हारा लीडर था वरेनियम, अभी तो पीछे देख यूरेनियम, क्या क्या पड़ा है पीछे। अब की एज क्या है दोस्त? मेरे को लग रहा है आप थोड़े से यंग हो। 16? अरे यार बढ़िया, आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? 11th में। अच्छा 11th में, आप इसी बात में हंस दिए ना, किस तरह 16 में क्या ही करेगा जिंदगी में। और तो आपने नॉन मेड लिया है, अगर आपने अब कॉमर्स ली तो मां कसम बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप वरेनियम नाम के साथ कॉमर्स ले लिया आपने? क्या क्या लिया आपने? साइंस लिया। बहुत बढ़िया, अरे यार ताली बजाओ, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। मैं सपोर्ट के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे, तुम कुछ ट्रिकी आदमी लग रहे हो मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? तुमको क्या लगा मैं सेम ही क्वेश्चन पूछूंगा? तुम्हारा नाम क्या? आर्टिस्ट ब्रिजेश। अपने आप को ही आर्टिस्ट बना दिया इसने। बोले मैं क्या करता हूँ, मैं वो जोकर वाली फोटो बनाता हूँ उसमें पिंक रंग भर देता हूँ, आर्टिस्ट एकदम बढ़िया हूँ। और आप यू गाइस आर डेटिंग? अरे बहुत बढ़िया, आप खुश हो इस बात से बहुत, है ना? कितने टाइम से आप लोग डेट कर रहे हो? 6 महीने से। और आप कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो, मैं देख रहा हूँ भाई, मैम को मैं देख रहा था चप्पल उप्पल उतार के संगीत के लिए तैयार बैठी थी। मेरे को पता है, देखो मेरे में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है दोस्तों, मैं अगर कॉमेडी शो में आगे बैठा हूँ, देख रहे हो इनके जूते, देख रहे हो सबके अच्छे जूते हैं, मतलब मेरे को रहता था कि अगर आप कॉमेडी शो में एकदम आगे बैठे हो स्टेज के बिल्कुल सामने, तो आप कुछ तो बढ़िया पहन के बैठोगे। ये मैम एक तो बाटा की चप्पल पहन के बैठी है, उसके बाद उतार के ऐसे बैठ गई हूँ, और मैं वहां से देख रहा था कैंडी क्रश खेल रही थी यार। इतनी तो इतनी बेइज्जती मत करो हमारी यार, कैंडी क्रश तो कौन सा था?
ये तुमको पता है क्या ये गेम? अच्छा तुम 17 खेलते हो गए आपस में ना, और पीछे उठा के हमको पता है हमारी कंपनी का है ये, हमारे आर्टिस्ट ने बनाया है, यही आर्ट है उसकी। बहुत बढ़िया दोस्तों यार तुम लोग, जेन्युइनली आपको थोड़ा मजा आया? आप बता देना आपको मजा ना, मैं गुदगुदी कर दूंगा आपको मजा दिलाना मेरे को एकदम जरूरी है। आपकी दाढ़ी बहुत सही है सर। क्या लगता है क्या बोलना चाहिए आपको? पता मुझे पसीना क्यों आ रहा है? वैसे नहीं आ रहा था, वो लाइट वहां लग के डायरेक्ट इतनी दिक्कत हो गई मुझे यार। फिर मुझे बोल रहे हैं कि बाल के लिए कुछ बोलोगे? आप उल्टे बैठ जाओ, मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा यार। बहुत बढ़िया सर, आपका नाम क्या है? अभिजीत। अभिजीत आप फॉर श्योर कॉर्पोरेट में होंगे ना? नहीं, बिजनेस है आपका अपना यार, एकदम वाइब नहीं आ रही थी आपसे बिजनेस वाली। आप किन के साथ आए हैं अभिजीत? मेरी वाइफ। अरे बहुत बढ़िया, आपकी शादी होती हो गई? कितना टाइम हो गया? 2 साल। ये क्या कॉन्सेप्ट है मुंबई में, साफ नहीं बोलना भाई। अरे मैं तुम पे था भाई, और सिमरन को अभी तक पड़ा नहीं, वो लगी पड़ी अपना चिकन में कि अरे हटा मेरे मुंह। सिमरन खत्म हुआ तुम्हारा? क्या लिया था सिमरन ऐसा तुमने खाने में, तुम आज बता ही दो। आई ऑर्डर नहीं लगाया तुमने? मैं पूरा उम्मीद कर रहा था कि ये लाइन शुरू में हेल्पिंग करके भी ऐसे नहीं शुरू करेगी। पास्ता ऑर्डर किया था आपको, पास्ता पसंद है? नहीं। Yourself, है ना? बट आपने उस बंदे के लिए छोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा, मैं 10 मिनट से तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम लगी पड़ी हो किस तरह से पास्ता निपटा जाऊँ एक बार बस, उसको तो छोड़ा। आपने पास्ता ऑर्डर किया अपने लिए? Yes. है ना? और मैम यू गाइस आर डेटिंग? शादी हो गई। वो बेचारी यहाँ भी हेल्पिंग कर रही है, हो गई यार। 2 घंटे का शो है, 1.5 घंटा सिमरन खा जाएगी हमारा, लगाया जा रही है मैंने। सिमरन आप क्या, आप मतलब क्या करते हो आप? I'm into, क्या हुआ बताओ? ऐसा सब करते हैं कि जो आपको मजा नहीं आता बताने में भी। यू आर इन टू हमारा, देखो आप घबराओ मत, हम आराम से बात। न्यूट्रिशन कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं पता। आप यू आर इन टू न्यूट्रिशन मतलब ऐसा कि यू आर अ डाइटिशियन टाइप हो वैसा कुछ? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप फिर ये डाइटिशियन बता के आप पास्ता पेल रहे हो? आप अलाउड है? तुम्हें अलाउड है भाई? ऐसा कैसा डाइटिशियन है यार? पास्ता तुम्हें चेक करना पड़ा खाना? मैं तुम कल डाउनलोड हुई हो गया पूरा सिलेबस तुम्हारे में, वो था ना विंडोज तुम्हारी क्रैश हुई पड़ी है यार सिमरन। बहुत बढ़िया आप लोग, यू गाइस आर मैरिड? अरे बहुत बढ़िया। कितना आपकी शादी हुई, कितना साल हो गया? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है शादी शुदा का पला, तुमने सबका दुख देख के मेरे को बड़ा मजा आया। तुम भी दुखी रहो भाई, मैं अकेला क्यों दुखी रहूं? क्या मैं हूं ना बताने के लिए? प्लीज बताइए सर, क्या बता रहे थे? अरे बताओ ना। चार नहीं साढ़े चार हुआ। चार क्या, 4 साल आपकी शादी को हो गए? भाई राजस्थान से हो गया तुम लोग। इनका इनको देख के लग रहा है इनकी क्या है जी सर आपकी? 25। अच्छा 4 साल हो गए आपकी शादी को, बड़ी जल्दी शादी कर ली नहीं है ना? तुम्हारा क्या कहना है इस पे? कह सकती हो आप, टेंशन मत लो, पूरी ऑडियंस का टेक है, आप घबराओ मत एकदम। हम लोग प्यार मोहब्बत, देखो मैं आपको बताता हूँ ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को पता है ना, यहाँ से यूट्यूब वीडियोज आएंगे है ना, तो आप लोग को आप लोग को ये भी नहीं करना है, सब एकदम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग को पूरा एंजॉय करना है शो को, ठीक है? एकदम बढ़िया से रिस्पॉन्ड करना है, बीच में मैं आता रहूंगा, मेरे से बात बात भी करो, आर्टिस्ट आपसे बात करे करो, बस आपको चिल करके सपोर्ट करते रहे, यही वीडियोज यूट्यूब पे आएंगे सिमरन। और 3 बार तो आपका नाम भी आएगा ये हेल्प एक। हाँ तो हम कहा थे, आपकी शादी को 4 साल हो गए, ये लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? लव। अरे लव मैरिज कहाँ मिले थे आप लोग? काटा रोड। ये कुछ मुंबई का सीन है ना, देखो ये भी साथ बोले काटा रोड। काटा रोड कहाँ है ये? काटर रोड। बहुत बढ़िया, काटर रोड पे आप दोनों मिले, क्या कर रहे थे आप लोग काटर रोड?
चिल कर रहे थे कॉलेज के बाद। आप ऐसे अलग चिल कर रहे थे, सिमरन अलग चिल कर रही थी, तो आपने बोला सिमरन साथ में चिल करोगी? बोले तुम राजस्थान से हो क्या, भर दो मांग मेरी। ऐसे मतलब कैसे माहौल बना था यार, कैसे आप लोग की शादी? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब, भाई साहब बोले कह रहे मैं सैफ अली खान रख लेता नाम, मैं फालतू में यूरेनियम रखा। अगर नाम से ही लड़कियां मिल जा रही है यार, ये तो वेरी टफ भाई। देख रहे हो दोस्त यार, नाम से आपने लड़की ढूंढ ली? ढूंढा नहीं, मतलब फ्रेंड टू फ्रेंड ऐसा, म्यूचुअल फ्रेंड से। सिमरन आप कुछ कहना चाहोगे? अब आप मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे बैठी, नहीं आई विल नॉट स्पीक, गिव इट अप फॉर दैट मैन। बहुत बढ़िया। आप लोगों में से किसी ने मेरी वीडियोस देखी है क्या? अरे ऐसे यार, कम से कम मैंने बैल हो गया तुम लोग यार, कॉमेडी ऑडियंस हमसे ज्यादा, नॉर्मल सेंस तो तुमको आना चाहिए ना भाई, ये क्या तरीका है? आपने नोटिस करा है, मैं जैसे मेरी वीडियोस जाके देखना, पहली वीडियो में बहुत स्लिम था, दूसरी में थोड़ा सा और मोटा हुआ, और तीसरी बार अब पता चौथी पांचवी वीडियो में मेरे पास कमेंट आया, भाई आप बढ़ते ही जा रहे हो, कहीं अगली वीडियो में फट मत जाना, आप फट भी जाओ तो बता देना, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उठा लेंगे आपको। और किससे बात कर सकते हैं हम लोग? आप तीनों साथ में हैं सर? नहीं, आप तीनों साथ में हैं, आप तीनों यू बोथ आर टुगेदर, यू गाइस आर मैरिड? यस। अरे बहुत बढ़िया। आप लोग की शादी और कोई है नहीं क्या हमारे पास? आप दोनों लड़के साथ में हैं? ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बस बोला साथ में आए, मैंने कुछ और नहीं बोला। आप दोनों साथ हैं? अरे मतलब ऐसे अलग ही लगाया एकदम, बिल्कुल ही उसी घर से, मेरे घर से। अरे मैं यार, मैंने ये थोड़ी पूछा था कि रात कहाँ गुजारी थी दो दोस्त भी तो साथ आ सकते हैं, आप लोग ऐसे क्यों घबरा रहे हो भाई? आपका नाम क्या है दोस्त? विशेष। विशेष, आपका? मेरा बहुत बढ़िया। तो आप दोनों अच्छे दोस्त हैं? अब वो धीरे धीरे बोल रहा है उतने भी नहीं, वहां जाने ही नहीं दूंगा, तू टेंशन मत ले, तुम घबरा ही मत। तू बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो जितने? पढ़ाई करते हो, काम करते हो? अरे बहुत बढ़िया है, ये अच्छे लोग हैं। और आप क्या करते हो? अरे बस भाई टेक टॉक थोड़ी चल रही है यार, हर किसी की स्टोरी पे हम लोग ताली बजाने के एकदम से, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मैं ये कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्या करते हो? बस पढ़ाई करते हो, आपका कुछ काम नहीं करेंगे, क्या पढ़ रहे हो? आईटी पूरी? आईटी मतलब बीटेक कर रहे हो आईटी में? बीएससी आईटी भाई, इसी क्या बुरे दिन आ रहे हैं, मतलब आईटी भी करना है फिर बीएससी भी, दोनों चीजें, बीटेक बीटेक आपका मन नहीं करा? और पता मैं जान के नहीं करता, मेरे साथ ऐसी गड़बड़ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक शो में ना एक अंकल आंटी आए हुए थे, उनकी शादी को ऐसे 30-35 साल हो गए, ठीक है ना, बहुत एजेड कपल था, एकदम आगे आगे बैठ गए बिल्कुल फ्रंट सीट पे, तो बहुत सुंदर माहौल था, हाथ में हाथ डाल के बैठे थे, पता नहीं उन लोगों से मैंने आधा घंटा क्या बात की, उसके बाद दोनों अलग अलग उबर करके गए। आंटी तो मेरे को आशीर्वाद अलग देगी, बेटा तूने आंखें खोल दी मेरी। मैंने कहा आंटी अब आंखें बंद करने का टाइम हो गया, वो निकल जाएंगे अंकल। मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, आपको पता है, तो मैंने ना बहुत क्लीन वीडियो डाली, उसमें ऐसे कोई भी गाली वाली नहीं देखी, और मेरे को ऐसे अंदर से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यार लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपने क्लीन वीडियो डाली, हम फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं देख रहा हूँ आजकल के यंग लोगों को ये सब पसंद ही नहीं आया, उस पर कमेंट आया भाई माल कहाँ है, जो 12 मिनट तूने मेरी जिंदगी के वेस्ट कर दिए, ये कर माल दो इसमें मुझे यार। अब YouTube ने मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ पहुंचा दी, आपको पता है मेरे को मैसेज आता है, भैया मेरे बड़े दादाजी आपके बहुत बड़े फैन है, दादाजी इज अगेन यूथ, बड़े दादाजी। मेरे शो के बाद एक बंदा आगे मुझे मिला, मुझे बोला भाई मेरे बड़े नाना जी को आपका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है यार, तो मैंने बोला भाई फिर भेजो शो में, कह रहा वो तो चल बसे, लास्ट आपकी ही वीडियो देखते हुए पाए गए थे। मतलब जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, भगवान उनको पसंद कर रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस. दैट्स द एंड ऑफ द शो. मजा आया आप लोग को शो में? फर्स्ट टाइम कौन कौन अटेंड कर रहा था कॉमेडी? कैसा लगा आप लोग को? कैसा एक्सपीरियंस था? मजा आया सर? आपको मजा आया सही में? है पक्की बात? अरे बहुत बढ़िया. एक बार अपने लिए दोबारा साली. थैंक यू सो मच. और एक बार यूरेनियम के लिए. वो यहाँ से जोक कर देना इज वेरी इजी. सब लोग हंसी पड़ते हैं अपने ऊपर जोक लेके बैठना. सिमरन के भी वो अलग से गुस्से में. और अच्छा नॉट अपलोडिंग फॉर मी. थैंक यू सो सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट. थैंक यू सो मच. दैट्स बीन आवर टाइम. थैंक यू.